Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar. And in this video, I'm going to solve the paper of Beharia College, Karachi. And this is pre-board examination 2022-23. और ये Beharia College, Karachi में जो Noor 1 campus है Beharia College का, ये Noor 1 का chemistry का second year का paper है, जो किसी student ने मुझे WhatsApp किया है. और इसको मैं यहाँ पर जो है वो सॉल्व करूँगा ताकि आपकी अच्छी तरह तैयारी हो सके. आपको पता है कि डिफरेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के पेपर्स जो है वो मैं डेली बेसिस पर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप अपने एग्जाम से पहले टोटली जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए, एटलीस्ट केमिस्ट्री इंग्लिश दो सब्जेक्ट के लिए. ठीक है, तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फिकार और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. ठीक है, सो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट है विच इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च. तो एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है, ये चैप्टर 10 से एमसीक्यूज है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से. तो एनिमल स्टार्च हम कहते हैं सेलुलोज को. तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है. सेकंड है द सब्सटेंस कॉज ब्लड कैंसर. ब्लड कैंसर कौन कॉज करता है, भाई बेंजीन कॉज करता है. दैट्स वाई बेंजीन को कहा जाता है कि ये हमारा जो है वो कार्सिनोजेनिक है. ठीक है, थर्ड है द रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेंस डैश इथेनॉल बाय वेट. रेक्टिफाइड स्प्रिट में कितना जो है वो इथेनॉल होता है बाय वेट, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में 92 से 95% हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि इथेनॉल हमारे पास होता है. दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट. फोर्थ है द फर्टिलाइजर मेंटेन द रेंज ऑफ पीएच ऑफ सॉइल एट. तो फर्टिलाइजर जो है वो किस रेंज पर मेंटेन करता है पीएच सॉइल का, दैट इज न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक 7 to 8. ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर इतना पीएच मेंटेन करके रखता है. फिफ्थ है द फार्मूला ऑफ क्रोमाइटोर. क्रोमाइटोर का फार्मूला क्या है, सी ऑप्शन है FeOCr2O3. दिस इज क्रोमाइटोर, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 5. सिक्स्थ है द सब्सटेंस यूज फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज. तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए, तो उसके लिए मीथेन यूज करते हैं फॉर द रैपनिंग ऑफ फ्रूट. सेवन्थ, एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड ड्यू टू. एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों रिएक्शन नहीं करता, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर. चूंकि ऑक्साइड लेयर बन जाती है जिससे रिएक्टिविटी आगे जाकर रुक जाती है. दैट्स व्हाई एल्युमिनियम इज पैसिव टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड. एट्थ, द अलॉय विच इज लाइट एंड टफ रेजिस्टेंट टू कोरोजन यूज इन मेकिंग ऑफ एरोप्लेन. तो एल्युमिनियम का एक अलॉय होता है ड्यूरालमिन, जिसको हम लोग एरोप्लेन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नाइन्थ है द हाइड्राइड्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटेलिक एंड कोवेलेंट. तो इंटरमीडिएट जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेटेलिक और कोवेलेंट के बीच में, तो वो हमारा बॉर्डर लाइन हाइड्राइड होता है. ये ऑप्शन, ये चैप्टर 2 से हाइड्रोजन से. 10th है फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू व्हाट. फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करता, कैनिजारो रिएक्शन करता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. तो ये चैप्टर 9 के एमसीक्यूज है. 11th है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज डबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स. डबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब कि एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, तो ये हमारा ट्रिटियम में होगा, सी ऑप्शन. दिस इज द थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर 2 हाइड्रोजन. 12th है द नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. रात का अंधापन नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा. तो विटामिन ए जिसको हम लोग जो है वो केमिकल नेम है उसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, जो कैरेट वगैरह में पाया जाता है. 13th है विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, सी सक्रोज. सक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग है. 14th है द कैटलिस्ट. तो सक्रोज जो हमारे पास होता है ये असल में एक ओलिगोसैकेराइड है, C12H22O11. ये वही शुगर है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह में. 14th है द कैटलिस्ट विच इज यूज टू कन्वर्ट इथाइन इनटू बेंजीन. इथाइन को बेंजीन कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हमें कैटलिस्ट यूज करना होता है, तो ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसमें ट्राइमराइजेशन हो जाती है. 15th है द एलिमेंट विच हैज मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जीज. मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद हमें यहाँ पर डाउन और लेफ्ट पर देखना होगा एलिमेंट कौन सा है, तो सीजियम के हमारे पास यहाँ पर मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी. 16th है द फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर इन दीज मैकेनिज्म. E1 E2 में तो नहीं होगा, E1 और SN1. यस, इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो इन दोनों मैकेनिज्म में सेम होगा. चैप्टर 8 से MCQ सही है. क्वेश्चन 17 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ EDTA लिगेंड इज. EDTA हमारा जो है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड है. ठीक है, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है EDTA और इस पर जो है वो हमारा -6 चार्ज लगा होता है.
ठीक है, इथेलाइंडा या माइंड टेट्राइसिटेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो कि EDTA का स्ट्रक्चर चले यहाँ पर जगह, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो EDTA जो हमारे पास होता है, EDTA दिस इज एक्चुअली इथाइलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इथाइलीन से हमारा दो कार्बन होते हैं, ठीक है, उसके बाद दो कार्बन नाइट्रोजन से अटैच होते हैं, ये CH2 CH2 हो गया। फिर इस नाइट्रोजन के चारों तरफ हमारे पास एसीटेट आइंस होते हैं, CH3 CH3 CHO, और यहाँ पर भी CH3 CHO होता है नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पर भी CH3 CHO एक एसीटेट आइन लगा होता है। तो देखो नेगेटिव चार्जेस चार यहाँ पे आ गए, और एक नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर, एक नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर, तो चार नेगेटिव चार्जेस और दो यहाँ पर लोन पेयर्स है, तो 6 इसकी हमारी आइडेंटिसिटी है। तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो इसका चार्ज हमारा -6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन बी में आते हैं, सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ उसके मैं, ठीक है, बैरिया कॉलेज कराची के। तो फर्स्ट है ये बॉक्स वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर जो चैप्टर 3 4 5 से मिक्स होकर आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, चैप्टर 3 4 5 तीनों चैप्टर से मिलकर आते हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल सवाल होता है इसमें। तो अगर आपने ये तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो फिर ही आप इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन आउट ना, आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक टफ क्वेश्चन होता है काफी स्टूडेंट्स के लिए। ए राइट फार्मूला ऑफ ए एंड सी, ए और सी का फार्मूला लिखिए। ए है किंग ऑफ कंपाउंड, किंग ऑफ कंपाउंड से मुराद तो यहाँ पर हमारे पास हो गया दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और सी है बेकिंग सोडा, दिस इज NaHCO3। पी है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ डी विथ वाटर, ब्लीचिंग पाउडर का वाटर से रिएक्शन करेंगे, CaOCl2, और वाटर से रिएक्शन जब हम करेंगे तो ये हमारा बनेगा, दिस विल बी फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन क्लोरीन गैस। सी है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ बी एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, सिल्वर नाइट्रेट है, इसको हम हीट करेंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगी, सिल्वर मेटल ब्रेक हो जाएगा, देन NO2 बनेगा, देन वाटर रिलीज होगा, ठीक है, बल्कि वाटर इसमें रिलीज नहीं होगा, NO2 और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। डी है राइट एनी टू यूजेज ऑफ ए, ए के दो इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड के, तो एक तो भाई ये लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा एज अ ड्राइंग एजेंट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं, बाकी काफ़ी सारे इस्तेमाल इसके हैं, मैं दो यूज पूछा दो बता दिया। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट आर फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, ग्रुप जस्ट हमें बताना है, जिसका ग्रुप होगा 2+1 3, ये हमारा 3A ग्रुप का एलिमेंट है, ये हो जाएगा 3S2 3P6 4S2, तो 4S2 है तो ये हमारा 2A ग्रुप का एलिमेंट है, 4S2 3D5, तो ये 5+2 दैट इज 7, ये 7B ग्रुप का एलिमेंट है, 4S2 3D10 और 4P3 है ये, तो ये 5 हमारे पास 5A ग्रुप का एलिमेंट है, चूंकि 4S और 4P हमारा ये इसका वैलेंस शेल है। इसके बाद हमें यहाँ पर करना है ये सी वाले क्वेश्चन भी करा देता हूँ, IUPAC नेमिंग कॉम्प्लेक्सेस की। तो ये हमारे पास इसको देख लेते हैं, दैट इज FeNH3 थ्राइस और Cl3। तो देखो बच्चों, ए से अमाइन है और सी से क्लोरो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, सारे स्मॉल लेटर यूज किए जाएंगे, तो डी हो गया ट्राई अमाइन, उसके बाद क्लोरीन 3 है, दिस विल बी ट्राई क्लोरो, उसके बाद आयरन लगा हुआ है तो आयरन लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चूंकि बस ये क्लोरीन की आ रही है -3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बी देखते हैं, देखो ईथे से लाइन डायनामाइन और सी से क्लोरो, ये हमारा हो गया डाई क्लोरो, देन 2 है इथेलाइन डायमर ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो उसके लिए बिस लिखा जाता है, बिस इथाइलीन डायमाइन, इस बार सिंगल एम से अमाइन लिखेंगे, ठीक है। और सी आर है, दिस विल बी क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, EN का तो 0 आएगा और Cl का -2 आएगा, तो ये हमारा क्रोमियम के आगे 2 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का। थर्ड उसके बाद हमारे पास है सोडियम लगा हुआ है, Na3 है, तो सोडियम कैटाइन है, पहले सोडियम लिखेंगे, ठीक है। सोडियम के बाद 6 क्लोरीन है, दिस विल बी
हेक्सा क्लोरो, देन एन आई है, अब चूंकि कैटाइन लगा हुआ है तो दिस विल बी नॉट निकल, दिस विल बी निकलेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे इसकी, ये -6 है और ये +3 है, तो निकल गया यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 निकल आया। ठीक है, डी उसके बाद हमारे पास है 4 साइनाइड है, दिस विल बी टेट्रासाइनो, लिगेंड है, लिगेंड का नाम पहले आ जाएगा टेट्रासाइनो, देन जिंक है, चूंकि नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जिंक के बजाय हम लोग जिंक 8 लिख देंगे, और -4 यहाँ पर उधर गया, +4 -2, तो ये 2 हमारे पास आ जाएगा, देन आयन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो यहां पर कह रहे व्हाट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ऐसे में बता दे रहा हूं उसके अंदर रिएक्शन जो है वो मैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि डायरेक्ट मैं बता देता हूं कि यहां पर प्रोपोनोन एसीटोन, एसीटोन से जब रिएक्शन होगा तो आपको तो कंप्लीट इसमें मैकेनिज्म लिखनी होगी, कंप्लीट आपको उसके अंदर जो है वो रिएक्शन लिखना होगा। ठीक है, तो ये चले मैं इसको भी सॉल्व करा देता हूँ क्वेश्चन 9 को। ठीक है, तो प्रोपानोन है तो यहाँ पर कराया, तो यहाँ पर जगह मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में कौन से ग्रिगनार्ड रिएजेंट कह रहे हैं, अच्छा कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसका रिएक्शन प्रोपानोन से कर देंगे, प्रोपानोन मीन्स एसीटोन है। ठीक है, तो ये प्रोपानोन हमारे पास है, दिस विल बी एक्चुअली एसीटोन, ये ऑप्शन है, डबल स्टेप मैकेनिज्म होगा, जैसे CH3MgCl ले लिया हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट, उसका रिएक्शन हमने एसीटोन से कर दिया, एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और CH3 कार्बन ऑक्सीजन, इसके साथ MgCl आ जाएगा, देन CH3 नीचे भी CH3 आ जाएगा, फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल, और साथ में Mg एक तरफ, Cl और एक तरफ OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन B में आते हैं, B में क्या कह रहे हैं, किससे रिएक्शन करा दें भाई, B में कह रहे हैं कि आप ये रिएक्शन करा दें अमोनिया गैस के साथ, तो अमोनिया गैस के साथ कराएंगे तो हमारा मीथेन बनेगा, डायरेक्ट सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, अमोनिया से रिएक्शन जैसे ही होगा तो ये हमारा CH4 मीथेन बन जाएगा, देन Mg एक तरफ, Cl और एक तरफ NH2 आ जाएगा, इसका बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। C इसके बाद है, C में कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करा दें, तो ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसका रिएक्शन अगर हम इथाइल अल्कोहल से कराएंगे C2H5OH से, तो दोबारा से हमारा अल्केन बनेगा, दैट इज CH4 ही बनेगा, और साथ में MgCl और इधर पे OC2H5 हमारा बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 हो गया हमारा, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ये हमारा नोमेनक्लेचर है, ये सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट है Br3 और C और CHO, उस तरह से तो CHO जो लिखा हुआ है ना, तो ए को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये फिर यहाँ पर हमारे पास ये H है, ये CHO है, उसके बाद कार्बन है, तीन तरफ जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो Br अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो हमारे जगह 2 2 2, दिस विल बी ट्राई ब्रोमो, उसके बाद ईथ, उसके बाद अन, उसके बाद 1, देन अली। बी है, बी में हमारे पास CH है और उसके दो तरफ CH3 है, तो लगा देते हैं CH3, ये CH आ गया, देन CH है एक तरफ, OH है, देन उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड OOH है, नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4, तो हमारे पास 2 पर हाइड्रोक्सी और 2 पर 3 पर मिथाइल है, तो पहले हाइड्रोक्सी आ जाएगा, दिस विल बी 2 हाइड्रोक्सी, देन 3 मिथाइल, उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है, तो दिस विल बी ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, बी हो गया हमारा, उसके बाद सी है, C2H5C, उसके बाद डबल बॉन्ड ओ CH3, मतलब CH3
इसके बाद CH2 है, देन कार्बन CO, जब इस तरह लिखा होता है ना CO, तो इसका मतलब ये हमारा जो है ना वो कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद इस तरह से फिर CH3 कर लेते हैं, ठीक है। CO अगर इस तरह से बीच में आ गया तो दिस विल बी एक्चुअली कीटोन, तो ये हमारा हो गया हमारा ब्यूटन टू ओन या टू ब्यूटन ओन, इसको हम कह सकते हैं। डी इसके बाद हमारे पास है कि CWH है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, देन इसके बाद CH2 है, इधर उससे पीछे CH है, और दो तरफ CH2 CH3 है, तो ये CH2 CH3 एक तरफ आ गया और दूसरी तरफ देख सकते हैं CH2 CH3 आ गया। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास 3 पर एक्चुअली जो है वो इथाइल ग्रुप लगा है, दिस विल बी 3 इथाइल, और कार्बन है 1 2 3 4 5, पेंटानोइक एसिड। तो ये हमारे पास चारों क्वेश्चन हो गए नोमेनक्लेचर के। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन 12 को सॉल्व करा देता हूँ। इसमें ये है, इथाइन इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4, कोल्ड KMnO4। तो देखो बच्चे, इथाइन जब हम इसके ऑक्सीडेशन कराएंगे कोल्ड कंडीशन पे KMnO4 के साथ, और ये कोल्ड कंडीशन पे जब होगा तो उस सूरत में हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनाएगा HCWH। हॉट कंडीशन पे होता है तो ये ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम उसको 2 लगा लेंगे, ठीक है। तो कार्बन टू बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये ए पोर्शन हो गया इसका। बी पार्ट इसका क्या है बच्चों, बी पार्ट कह रहा है हमसे है कि इथाइन इज ट्रीटेड विद सल्फर मोनोक्लोराइड। देखो इथाइन है, इथीन सॉरी, इथीन का जब सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2 से रिएक्शन होगा तो ये हमारा मस्टर्ड गैस बनाएगा, CH2CH2Cl, CH2CH2Cl, क्योंकि सिर्फ इक्वेशन लिखनी और प्लस S अलग हो जाएगा तो ये हमारा इस तरह बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सी पोर्शन में हमसे क्या कह रहे हैं, क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटैश, ठीक है, ओके। क्लोरोइथेन है C2H5Cl है, इसका रिएक्शन KOH से होगा और KOH अल्कोहलिक है। अब जब अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगा, हमारा इथीन बनेगा प्लस KCl और प्लस वाटर बन जाएगा। डी रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड इज पोलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है इसकी जब पोलीमराइजेशन करते हैं तो असल में ट्राइमराइजेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे इस तरह के कंपाउंड बनता है CO, 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 और हर कार्बन के साथ जो है वो दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं इस तरह से। चैप्टर 9 का है ये, फॉर्मल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मेटा फॉर्म एल्डिहाइड। तो ये 4 सवाल आते हैं इसके हो गए। नेक्स्ट आगे आते हैं सेक्शन सी में, इसमें हमारे यहाँ पर रिएक्शंस करने हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आप खुद कर सकते हैं, सारे मैं सॉल्व नहीं करा रहा, ये सब मैंने लेक्चर्स के अंदर सारे जो है वो कवर कराए हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इनके लिए जरूरी नहीं होता कि कुछ एक स्टेप देखें, इसके लिए आप बेसिक तरीका ये होता है कि वॉच माई लेक्चर्स, आप मेरे लेक्चर्स को वॉच करें जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई ना सेकेंड ईयर की। लेकिन इसके लिए कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि ये पोटेशियम, तो ये जैसे कॉपर विद सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कुछ रिएक्शन है जो मैकेनिज्म पे हो जाएंगे जैसे मैग्नीशियम विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया, अब ये कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि इसमें जो रिएक्शन, मतलब कुछ रिएक्शन इसमें ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली हो जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट करके या एडिशन करके, बट सारे रिएक्शन ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। उसके लिए बेहतर ये होता है कि आपको जो है वो देखना पड़ेगा इक्वेशंस को, मतलब लेक्चर्स को देखने पड़ेंगे तो ये रिएक्शंस आपसे हो जाएंगे, कोई इतने मुश्किल इक्वेशंस नहीं होते, बट वॉच माई लेक्चर्स। अब जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से आए हुए ना, जैसे ये चैप्टर 4 के सल्फ्यूरिक एसिड से आया हुआ है, ये नाइट्रिक एसिड से आया हुआ, तो अलग अलग टॉपिक से हमारे पास चैप्टर्स से आए हुए। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आई थिंक ये बस ये चीज़ें हैं। तो बेटा ये चीज़ें थी, तो आई होप सो कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार, सर नसीम जुल्फ़िकार, मेरे वीडियो आप देख रहे थे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272, ठीक है। अगर आपको कोई, अगर आपको मेरी फिजिकल क्लास लेनी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जो फिर अगर आपको नोट्स वगैरह को रिक्वायर्ड है, ठीक है, इन केस आपको नोट्स चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, टारगेट पेपर्स चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे वो ले सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 215-2272।
अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ताल्लुक है दुआ इल्म कोचिंग सेंटर से। दुआ इल्म कोचिंग सेंटर के जो है ब्रांचेस जो है वो काफ़ी जगहों पर मौजूद है, 3 जगहों पर कराची में मौजूद है। औरंगी टाउन के अंदर आपको इसके ब्रांच मिलेगा, इस तरह से नॉर्थ कराची के अंदर यूपी मोड़ पर जो है वो हमारा एक ब्रांच है, और इसके अलावा गुलशन इकबाल में हमारे एक ब्रांच है, ठीक है। इसके अंदर क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस तरह से ईकेट एमडीकेट इन तमाम क्लासेस की जो है वो तैयारी इसके अंदर जो है वो कराई जाती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी फिजिकल क्लासेस के अंदर ज्वाइन होना है, दुआ इल्म कोचिंग सेंटर में मेरी क्लासेस लेनी है, चूँकि मैं 2 सब्जेक्ट खुद यहाँ टीच करता हूँ केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो आप फ्रीली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे चैनल के ऊपर जो है वो अगर आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, उसके अंदर 1000+ लेक्चर्स आपको जो है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश के आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। 1000 से ज़्यादा लेक्चर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, और सिंपल ये कि भाई इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें हर सब्जेक्ट ऐसा होता है कि मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत की चीज़ें नहीं आ सकती, ठीक है। तो जस्ट लेक्चर के साथ जुड़े रहें, वीडियो के साथ बने रहें, और मुख्तलिफ लेक्चर्स देखें, इंशाल्लाह आपके जो है वो नंबर अच्छे से अच्छे आएंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को, मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करे अच्छे नंबर्स के साथ। दुआ में मुझे भी याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।